हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीबीसी सीजी जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय तरफ से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे बीबीसी जॉब्स ऑफिस के मेंबर नहीं हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा हुआ है, हमारे ऑफिस मेंबर बन सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले किसी भी जॉब नोटिफिकेशन से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, पोस्ट ये आया था 18 सितंबर को और इसमें जो है 12 अक्टूबर को एक नया सुधार किया गया है, जिससे कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट जो है और एक्सटेंड कर दिया गया है। उन सभी डिटेल को हम आगे वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे। टोटल वैकेंसी में पोस्ट जो है 73 अवेलेबल है और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अनरिजर्व हैं यानी जनरल में आते हैं, ईबीसी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आपके लिए 1,050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अगर आप एसटी एससी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आप 800 रुपीज़ आपके लिए फ़ीस रखी गई है। इसके साथ हैंडीकैप लोगों के लिए 50 रुपये रखी गई है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस। इसके साथ पेमेंट मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। स्टार्टिंग डेट तो आपकी बहुत पहले से ही चल रही है, 18 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन जो लास्ट डेट थी वो 12 अक्टूबर थी, उसको एक्सटेंड करके 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो जो लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और इसके लिए अप्लाई करने में चूक गए हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात कर लें मिनिमम एज की, तो 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 14 ईयर्स है। और पोस्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो पहला पोस्ट जो अवेलेबल है वो है रिव्यू ऑफिसर का, जिसमें 19 पोस्ट टोटल अवेलेबल है और क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन का। इसी के साथ दूसरा पोस्ट जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का है, जिसमें 23 पोस्ट अवेलेबल हैं और ग्रेजुएशन विथ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड नॉलेज के साथ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ कॉपी राइटर के लिए 9 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें इंटरमीडिएट यानी कि आपने 12वीं पास किया हो और हिंदी टाइपिंग का नॉलेज है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ रिव्यू ऑफिसर अकाउंट के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में। इसी के साथ रिसर्च असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है विथ रिलेवेंट डिसिप्लिन। इसी के साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल है और इसमें भी 12वीं की योग्यता मांगी गई है या फिर 12वीं के बराबर ही कोई डिग्री। इसी के साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट फीमेल के लिए भी एक पोस्ट अवेलेबल है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं एडिटर की, इसके लिए एक पोस्ट अवेलेबल है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ सर्विसर यानी कि प्यून के लिए 10 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें 5वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए पोस्ट जो अवेलेबल है उसमें मेल की जो हाइट मांगी गई है 1.68 मीटर, इसी के साथ वेट जो है 59 kg मिनिमम मांगा गया है। इसी के साथ फोर फीमेल कैंडिडेट हाइट जो होगा आपका 1.52 मीटर होगा और वेट जो होगा 45 किलो के बीच में मांगा गया है। इसी के साथ अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन पर जाके आप आई पूरी डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन और ऑल ऑफ क्लिक है तो क्लिक कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए भी लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ।